हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर वेरी वेल एट योर होम. एज यू नो, आई एम योर SST टीचर एंड दिस इज योर SST NCERT बुक, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, पार्ट सेकेंड, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 7th. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड आर न्यू चैप्टर, आर सेकेंड चैप्टर इन पॉलिटी, पॉलिटिकल लाइफ, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ. अब गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो हेल्थ में कैसे होता है, मतलब गवर्नमेंट क्या क्या रोल्स प्ले करती है. इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सेप्ट द गवर्नमेंट टू वर्क देयर वेलफेयर. दिस कुड बी टफ एंड प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा. इन दिस चैप्टर वी शैल examine the meanings and problems related to the health. Look at the subheadings of this chapter. In what ways do you think this topic is related to the work of government? इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो गवर्नमेंट का रोल होता है हमारी हेल्थ से लेके हमारे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सारी चीज़ों में किस तरह से गवर्नमेंट अपना हेल्प, मतलब हमारी हेल्प करती है. सो लेट्स स्टार्ट. वॉट इज हेल्थ? हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है? वी कैन थिंक हेल्थ इन मैनी वेज. हम हेल्थ को बहुत तरीकों से मतलब सोचते हैं. हेल्थ मीन्स आर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज. बट हेल्थ इजंट ओनली अबाउट डिजीज. यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशन इन द अबव कॉलेज विद हेल्थ. हेल्थ वॉट वी ऑफन इग्नोर इज द फैक्ट that each of the above situation is related to health. Apart from disease, we need to think other factors that affects our health. For example, if people get clean drinking water or a pollution-free environment, they are likely to be healthy. On the other hand, if people do not adequate food to air or have to live in a compared condition, they will be a prone of illness. मतलब हमारी health कैसे डिपेंड करती है, हमारी हेल्थ तभी अच्छी रहेगी ना जब हम आसपास का, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट जो होगा वो स्वस्थ होगा. जैसे कि अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा पानी पिएंगे, पॉल्यूशन से दूर रहेंगे तो क्या होगा, हमारी हेल्थ अच्छी होगी. और इसी के अलावा अगर हम गंदी जगह में रहें, पॉल्यूशन वाली जगह में रहें तो क्या होगा, उससे हमारी हेल्थ पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, है ना. आपका खाना पीना जो है वो सब किससे रिलेट करता है, आपकी हेल्थ से रिलेट करता है ना. आप अच्छी चीजें खाओगे तो आप स्ट्रांग रहोगे. अगर आप अच्छी चीजें नहीं खाओगे, वेस्ट वाली चीजें खाओगे जिससे आपकी हेल्थ नहीं बनती है, कुछ नहीं होता है, वो सारी चीजें खाओगे जैसे मैगी हो गया, कुरकुरे हो गया, ये सब बच्चे जनरली खाते हैं ना, इन सबसे हेल्थ बनती है? बिल्कुल नहीं बनती है. और इसी के अलावा अगर हम अच्छी ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, प्रोटीन वाली चीजें खाएं, मतलब चीज खाएं या पनीर खाएं, दूध पिए, तो इससे क्या होगा, हमारी हेल्थ बढ़ेगी ना. तो इन सब में बहुत, मतलब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारी हेल्थ को बना सकती है और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बिगाड़ भी सकती है, है ना. ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट इन वॉट एवर वी मे बी डूइंग. इट इज इडेंट हेल्दी टू बी डल, इंडिकेटिव, एक्सुनियस एंड स्केर्ड फॉर द लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम. वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन. ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट फॉर आर लाइफ द पार्ट ऑफ द हेल्थ. अब हमारी हेल्थ के कौन कौन से पार्ट होते हैं? अब जैसे हम मेंटल, ज्यादा हमें मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा, ज्यादा टेंशन नहीं होगी तो क्या होगी, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी ना. और इसी के अलावा अगर हम ज्यादा टेंशन लेंगे, ज्यादा चीजें सोचेंगे, हर चीजों के बारे में डरेंगे, मतलब अपना दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा संकुचित कर लेंगे, मतलब संकुचित इन द सेंस बहुत ज्यादा एकदम कैसा कंजर्वेटिव माइंड टाइप का कर लेंगे, तो वो सारी चीजें क्या होगी, हमारी हेल्थ को इफेक्ट करेंगी. नाउ हेल्थ केयर इन इंडिया. अब इंडिया में हेल्थ केयर कैसे, लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, कंपेयर द कंट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस इन द फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम. अब इस पे फर्स्ट और सेकेंड कॉलम से इनमें अलग अलग तरीके से कंपेयर किया गया है. अब हम फर्स्ट कॉलम पढ़ते हैं. इंडिया हैज़ अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ अ मेडिकल कॉलेज इन द वर्ल्ड एंड अमंग दिस द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर. अप्रोक्सीमेटली मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई इन एवरी ईयर. अब इंडिया में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो सबसे ज्यादा
मतलब वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में इंडिया में डॉक्टर्स होते हैं, है ना। और ज्यादा मतलब अप्रोक्सीमेटली 30,000 नए डॉक्टर हर साल, मतलब हर साल जो डॉक्टर्स बनते हैं वो 30,000 डॉक्टर बनते हैं लोग। मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज, पीपल इन रूरल एरियाज हैव ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस इन द रीच डॉक्टर। अब क्या होता है, ये जो डॉक्टर्स होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, अर्बन एरियाज में, मतलब सिटीज में रहते हैं। और जो लोग होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, उनको बहुत सारा ट्रैवल करके क्या करना पड़ता है, सिटी में आना पड़ता है। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स आर रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन एंड लेस इन द रूरल एरिया। अब क्या होता है कि अब बहुत ज्यादा डॉक्टर्स शहरों में रहेंगे तो शहर गांव के लोगों को क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाने के लिए शहर आना पड़ेगा। तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो गांव में भी रह सके। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटी सच एज अ हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरी फॉर द टेस्टिंग। अब इसके साथ साथ हमारी इलनेस के लिए जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो जो हमारी गवर्नमेंट है उसने हमें सर्विस प्रोवाइड की है ना, जैसे हॉस्पिटल हो गया, हेल्थ केयर सेंटर हो गया, लेबोरेटरीज हो गई, टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरीज होती है ना, जहाँ पे हमें ब्लड शुगर टेस्ट कराना पड़ता है। अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है, हम कोरोना टेस्टिंग्स वगैरह सब कराते हैं ना, तो कहाँ होती हैं, वो हॉस्पिटल्स में ही होती हैं। और कौन करवाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करवा रही है ना, उसी के थ्रू हो रहा है ना। एंड एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक्स, ये सब कहाँ, कौन इन सबको चलाता है, गवर्नमेंट ही ज्यादातर चलाती है। दैट कैन नीड इन ऑर्डर टू रन सच अ फैसिलिटी वी नीड अ हेल्थ वर्कर्स, नर्सेस, क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल हु कैन एडवाइज, डायग्नोज एंड द ट्रीट इलनेस। अब ये सारी चीजें जो है, अब इन सबको चलाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, हेल्थ वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, नर्सेस की जरूरत पड़ती है और क्वालिफाइड डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा मतलब और हेल्थ प्रोफेशनल्स, और इसके अलावा जो हमें गाइड कर सके, जो एडवाइस दे सके, जो हमारी बीमारी को पहचान सके, उसका निदान कर सके, डायग्नोस कर सके, हमें बीमारी हमारी बीमारी को अच्छी तरह से जांच सके, उन सब के लिए हमें अच्छे डॉक्टर्स की भी जरूरत पड़ती है ना। तो वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट दैट द नेसेसरी ऑफ द ट्रीटिंग पेशेंट। अब इन सब के साथ साथ हमें अच्छे इक्विपमेंट्स, अच्छे यंत्रों की जरूरत पड़ती है और अच्छे मेडिसिन की जरूरत पड़ती है जिससे कि मरीजों की देखभाल अच्छे से हो सके। दीज फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस। इन सब की जो फैसिलिटी, जब ये सब हमें फैसिलिटीज मिल रही है, इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। इंडिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर क्लिनिक एंड हॉस्पिटल। इंडिया में बहुत ही बड़ी संख्या में क्या है, डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं। द कंट्री ऑल्सो हैज कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। दिस सिस्टम इज हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर्स रन बाय गवर्नमेंट। अब ये जो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, ये सब जो हैं, इनको कौन चलाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है। इट हैज द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ अ लार्ज सेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन स्कैड ओवर 100,000 ऑफ विलेज। वी विल गो टू इन टू मोर डिटेल्स इन दिस लेटर। मोर ओवर देयर हैज बीन अ फिनोमिनल एडवांसमेंट इन अ मेडिकल साइंस वेयर बी many new technologies treatment producer are available in the country। और इसी के साथ साथ हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट्स वगैरह भी हैं और बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं और उनके साथ साथ इक्विपमेंट्स वगैरह सब हैं। और गवर्नमेंट ने क्या किया है कि शहरों में तो अच्छे हॉस्पिटल्स खोले ही हैं, उसके साथ ही साथ गाँव में भी अच्छे डिस्पेंसरीज खोल के रखी हैं ताकि गाँव के लोगों को भी इन सुविधाओं का, मतलब गांव वाले भी ये सुविधा उठा सके, वो भी बीमार पड़ने पर सरकारी डिस्पेंसरी में जाके अपने आप को अपना हेल्थ केयर चेकअप करा सके। ओके, हाउएवर द सेकंड कॉलम पॉइंट आउट हाउ पुअर हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्रीज। विद ऑल द पॉजिटिव डेवलपमेंट्स वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी टू पीपल। दिस इज द पैराडॉक्स समटाइम्स दैट इज कंट्री टू what we would accept, our country has the money, knowledge and people experience but cannot make the necessary health care available to all. In this chapter we will look at some of the reasons for this. अब हमारे जो देश में बहुत सारी हमें facilities दे के रखी है government ने, rural areas में भी बहुत सारी facilities दे के रखी हुई है, ठीक है ना। और कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहां ये फैसिलिटीज देना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, उस एरियाज में भी
ये सारी फैसिलिटीज पहुंचाने की कोशिश में लगी हुई है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ स्टोरी, द कॉस्ट ऑफ अ क्योर। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर, देन वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड टेक केयर।